आज का जो हमारा वीडियो है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए है। आए दिन हम देखते आ रहे हैं करीबन बहुत सारे लोगों की कोरोनरी हार्ट डिजीज से मौत हो जाती है। क्यों होती है ऐसा, क्यों अटैक खाते हैं इतना, तो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है ना। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, आज पूरी दुनिया में कम से कम 20 करोड़ लोग कोरोनरी हार्ट डिजीज से पीड़ित है, 20 करोड़ लोग, और हर साल करीबन 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है, अटैक आ जाता है, कार्डिक अटैक आ जाता है। आजकल हम देखते हैं 10th 11th के बच्चों को अटैक आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को अटैक आ रहा है। तो एक्चुअली में इसकी वजह क्या है, क्या हो सकता है, क्या उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है जिस कारण से उनको अटैक आ रहा है, जिम करते करते उनको अटैक आ जा रहा है, ऐसा क्या होता है ना। क्या फाइबर फूड खाने से हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसका तो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको खुद बताऊंगी। क्या हम ऐसा खाएं जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो जाए, तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। देखिए अ वैक्सी फैट लाइक स्ट्रक्चर मेड इन द लिवर, ये कैसा होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, एक चिपचिपा होता है, और ये कहाँ बनता है, नेचुरली हमारे लिवर में बनता है। एंड फाउंड इन द ब्लड एंड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी, कोलेस्ट्रॉल इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। देखिए जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे सेल वॉल को क्रिएट करते हैं, हमारी मेम्ब्रेन्स को क्रिएट करते हैं, हमारे टिश्यू ऑर्गन्स को सही करते हैं, और साथ साथ आपका जो हार्मोन्स लेवल है उसका भी कंट्रोल करता है, उसको भी अच्छा बनाता है कोलेस्ट्रॉल, और विटामिन डी को भी क्रिएट करता है। कोलेस्ट्रॉल एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है जिसे हमारा लिवर प्राकृतिक रूप से बनाता है। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल है क्या, कोलेस्ट्रॉल एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसे हमारा लिवर बनाता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल कहीं से और से नहीं आता, ना कहीं से बनता है, कोलेस्ट्रॉल एक गाढ़ा चिपचिपा फ्लूड है जिसे हमारा लिवर ही बनाता है ना। यह हार्मोन्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल्स के दो टाइप्स हैं, एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होता है, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी। तो कोलेस्ट्रॉल समझ में आया, कोलेस्ट्रॉल एक नेचुरल प्रोडक्ट है, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट लाइक स्ट्रक्चर है, चिपचिपा पदार्थ है जो हमारे लिवर में बनता है। गुड कोलेस्ट्रॉल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं, उनको मेंटेन करके रखते हैं। बट जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, जिस कारण से लोगों को अटैक आते हैं, जैसे कि एलडीएल के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि एलडीएल एक्चुअली में क्या होता है।